नमस्कार, मैं हूं सान्या और स्वागत है आपका जीवन 24 न्यूज में। और ये है आज की खबर। भारत में हुए 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन को पूरी दुनिया ने सफल बताया है और देश की जमकर सराहना की है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है और इस बात को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लेकर वर्ल्ड बैंक समेत तमाम वैश्विक एजेंसियों ने माना है। गौरतलब है कि G20 में जहां भारत के प्रस्तावों पर एक के बाद एक सदस्य देशों ने रजामंदी दी, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम पर भी एक प्रकार से मोहर लगाई गई। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। गौरतलब है, भारत में G20 समिट का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। पूरी दुनिया में G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ हो रही है। बता दें, समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन इकोनॉमी को लेकर जो सपना देखा है, उसका जिक्र उन्होंने और उनकी सरकार के मंत्रियों ने कई मौके पर किया है। इनमें से एक है भारत का 2047 तक दुनिया के विकसित देशों की लिस्ट में पहुंचना और आने वाले 5-6 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी के तौर पर सामने आना। बता दें, पीएम मोदी का ये बिग ड्रीम अगले 4 साल में पूरा होगा। हालांकि आज अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार इस लक्ष्य को पाने की ओर बढ़ रही है। बता दें, अब तो वैश्विक निकायों ने भी पीएम मोदी के इन सपनों पर अपनी मुहर लगा दी है। पीएम मोदी का ये बिग ड्रीम अगले G20 में शामिल होने के लिए देश में आई IMF की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ ने कह दिया कि ग्लोबल ग्रोथ के इंजन के रूप में भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ऐसा बताया जा रहा है कि साल 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले वर्षों में भारत का ग्लोबल डेवलपमेंट में अहम रोल होगा और वैश्विक ग्रोथ में देश का योगदान 15% तक पहुंच जाएगा। हालांकि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने लेबर मार्केट में सुधार, व्यापार करने में आसानी, शिक्षा की गुणवत्ता और महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ाने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। गौरतलब है कि साल 2014 से 2023 तक की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई नए मुकाम हासिल किए हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इससे पहले ही भारतीय अर्थव्यवस्था लेकर जो अनुमान जारी किए जा चुके हैं, उनके मुताबिक भारत 2027 में जापान और जर्मनी जैसे देशों को छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में 30वें पायदान पर पहुंच सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24 न्यूज। धन्यवाद। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GVN 24 न्यूज।